अब इधर से हम यूसी कलेक्ट करते हैं, मगर भाई ये अमेजिंग रिबेट इवेंट के अंदर बिल्कुल एक भी काउंट नहीं हो रही। तो अब इसका क्या है सीन और इसका क्या विषय इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। और अक्सर बंदे बोल रहे थे कि बिल्कुल थोड़ी सी यूसी में मैं ये वाला कंपेनियन निकालूंगा, ये भी बताओ। सलामुअलैकुम भाई लोग, यहाँ चल रहा फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई इस वीडियो के अंदर हम होला बडी के ट्रिक के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं कि होला बडी के अंदर जो ट्रिक है भाई, इन सब में से जो भी कंपेनियन आए हैं ना, इन सब में से वाला हार्ड कंपेनियन है। क्योंकि इसके अंदर भाई कोई भी लेजेंडरी वाला भी अगर तुम निकालना चाहते हो ना, कुल मिलाकर तुम्हारी 10,000 रुपये तक लगने वाली है, ठीक है। अगर एक हिसाब से मतलब 8-10,000 रुपये तक एकदम इजीली लग जाएंगे, तो ये वाला भी बताऊँगा। और अक्सर बंदे बोलते हैं कि भाई जो एक्टिविटी पे की यूसी वो क्या कौंट होती है, जो अमेजिंग क्या है अमेजिंग रिबेट जो हमारे इवेंट चलता है उसके अंदर कौंट होती है कि नहीं, उसके बारे में भी बताता हूँ। चलो भाई सब आगे जाते हैं, आगे जाने से पहले एक लाइक ज़रूर ठोक देना। ये चीज़ जो है ना भाई, इसे नहीं मुझे कोई पैसे मिलते और नहीं कुछ और मिलता है, इसे जो है ना बंदे को मोटिवेशन मिलता है और ये वाली वीडियो जो है ना वायरल हो सकती है, किसी और बंदे तक भी ये वाला ट्रिक पहुँच सकता है। तो प्लीज़ यार लाइक ठोक दिया करो, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ठोको बिल नोटिफिकेशन के साथ साथ, जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम भी लाजमी से फॉलो कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताता हूँ, इस होला बडी के साथ हमें मिला था एक इवेंट, उसके अंदर मुझे वाचर भी मिले थे, वो सारे के सारे वाचर मैंने इसके अंदर यूज़ किए। कुल मिलाकर अगर मैं सारे के सारे यूसी लगाऊँ इसके अंदर तो मेरी 3,000 तक यूसी लगी, ठीक है। और वाचर्स की अगर बात की जाए भाई, 2,000 तक भी मैंने वाचर लगाया, क्योंकि उधर इवेंट से भी मैंने निकाल लिए थे, इवेंट से मुझे कुछ ज़्यादा ही 50 वाले मिल गए थे, और 30 वाले जो है ना अभी तक मेरे पास पड़े जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक वैसा ही इसके अंदर मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें भी मिल गए। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसका छोटा सा क्लिप लास्ट में जो है ना क्रिएट ओपनिंग है वो हम देख लेते हैं, मगर उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ, जो एक्टिविटी पे की यूसी अगर तुम उसको कलेक्ट करते हो वो जो है ना अमेजिंग रिबेट के अंदर काउंट नहीं हो, एक चीज़ याद रखना। उधर जो है ना ये वो यही बोलते हैं कि भाई तुमने स्पेंड करनी है यूसी, ठीक है, कलेक्ट नहीं करनी है भाई, स्पेंड करनी है। स्पेंड करने के लिए अगर तुम किसी जगह भी यूज़ करते हो यूसी, सिर्फ और सिर्फ वही काउंट होती है। तो अब ये चीज़ जो है ना दिमाग से निकाल देना कि अगर मैं इसको कलेक्ट करूँ तो फिर उसके बाद वो वाली रिवार्ड भी हमें मिल जाए। अगर ऐसा ही होता मैं सारे के सारे मिशन कंप्लीट कर देता भाई, 10,000 रुपये की सवाल है, मतलब उधर जो है ना कुल मिलाकर 12,000 रुपये तक मेरे सारे के सारे रिवार्ड निकल आते, मगर वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ बताता हूँ, जो होला बडी है, जो न्यू होला बडी आ रही है कुछ दिन के बाद वो भी आ जाएगी, मतलब जो डायनासोर वाली कंपेनियन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा, मगर उसके अंदर भी मैं एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, वो चीज़ बिल्कुल मिस मत करना। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या लगाया था, सारे के सारे मैंने वाचर यूज़ किए थे पहले से लेकर आखिर तक, अभी तक जो है ना मैंने एक भी इसका क्वाइन यूज़ नहीं किया किसी भी जगह पे, जो भी चीज़ें मेरे निकले वो डायरेक्टली निकले, ठीक है भाई। वो वाले वाचर यूज़ करके मैं कितने तक गया हूँ और इतने कितने मेरे पास ये वाले जो इसके क्वाइन है, या फिर ये वाले जो इसके क्वाइन है, हाँ जी ये वाले क्वाइन मेरे पास कितने आ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर दिखाता हूँ, 777 आ गए, मतलब 777 आ गए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके अंदर 5 और करूँ जो इसके साइड वाले डब्बे हैं, कुल मिलाकर 4 फिर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब पूरा का पूरा सवाल इसका डब्बों का है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके डब्बे मैंने कंप्लीट करने थे, और पहले से लेकर आखिर तक मैंने एक भी इसका क्वाइन यूज़ नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि इसके अंदर अगर मैं ये वाला लगाऊँ ट्रिक, मैं वाचर यूज़ करूँ, कोई भी क्वाइन इसका किसी और जगह पे यूज़ नहीं करूँ, जमा करके रखूँ लास्ट तक, तो हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई एक मिल जाए। तो अभी तुम देखो 1000 पूर्जी तक मेरे पास इसके क्वाइन आ गए भाई, ये चीज़ जो है ना बेस्ट ट्रिक है। अब जो न्यू होला बडी आ रही उसके अंदर भी हम ये चीज़ ट्राई करेंगे, अगर उसके अंदर वर्क कर रहा था तो उसके लास्ट तक हम फिर से वाचर यूज़ करेंगे, अगर उसके साथ इवेंट आ गए वो सब कुछ मैं उसी वक्त भी वीडियो बना के तुम लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो अभी तुम इधर देख सकते हो ये 4 आइटम जो है ना मेरे परमानेंट निकले, ठीक है, वाचर यूज़ कर करके कितनी बार निकले, एक बार भी नहीं। तो अब सबसे पहले ये वाला होला बडी मैं निकालता हूँ, ये वाला कंपनी है 800 रुपये ये मेरे पास आ गए, हाँ तो ये चीज़ मेरे अजीज़। इसी के साथ अगर बात की जाए, ये वाला मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जो थे ये दोनों के दोनों लेजेंडरी थे, ये वाला मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके साथ इमोट बेस्ड, दूसरे के साथ जो गिली सूट वाला है उसके साथ इमोट बेस्ड नहीं है। और एक जो है ना ये वाला वेपन का स्किन हम निकालते हैं वो इसलिए क्योंकि ये वाला वेपन का स्किन जो है ना फर्स्ट टाइम आया है पबजी के अंदर, तो ये चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए क्लासिक के क्रेट हम 9 तक निकाल सकते हैं, और इसके अंदर और मेरा कोई काम का चीज़ है ही नहीं। अब पहले से लेकर आखिर तक जो मैंने हिसाब लगाया 3,000 यूसी पे मेरे सारे के सारे चीज़ें निकल आए, 3,000 यूसी पे। इसका लास्ट वाला डब्बा रह गया उसके अंदर 300 कॉइन और मिलते, और इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है,
तो इसका क्रिएट ओपनिंग जो है ना और मेरे लिए बेकार हो जाता है। डेली 10-10 वाला खोलो और जो अचर आती है वो भी यूज़ करो। तो फिर उसके बाद कुल मिलाकर 3000 रेसिपी मुझे मिल गया एक पूरा का पूरा कंपेनियन। जो बंदों को 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रेसिपी मिला था वो चीज़ मुझे मिल गया 3000 रुपये। और इसी के साथ साथ ये देखो ये वेपन का स्किन भी मेरे पास आ गया और वो वाला होला बडी भी मैं अभी दिखाता हूँ, मतलब वो वाला कंपेनियन बेस्ट था मेरे हिसाब से, क्योंकि गिली सूट वाला भाई उसके साथ कोई खास मोड वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है। और क्लासिक की अगर बात की जाए 218 ये हो गए 218 और ये भी पड़े यार। क्लासिक के क्रिएट अगर चांस आ जाए ना ग्लेशियर पे फिर मज़ा आएगा। अब अक्सर बंदे पूछते हैं कि भाई चांस कब आ रहा है कब आ रहा है, अभी तक जो है ना भाई नो आइडिया है। पबजी वालों ने कुछ भी अता पता नहीं दिया है कि भाई कब आ रहा है ग्लेशियर फिर से चांस पे। अगर इस बार आ जाए ना फिर इंशाल्लाह बरबर की निकालूंगा, इसलिए मैंने जमा किए हैं ठीक है इतने सारे। तो अब अगर बात की जाए होलावटी की, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होलावटी पे जाता हूँ, उसके अंदर जो है ना इसके इमोट वगैरह भी दिखाता हूँ। अब अगर बात की जाए इसके साथ जो है ना इमोट बेस्ट है, दूसरे के साथ जो है ना हमें कुछ खास इमोट देखने को नहीं मिलते। खैर अक्सर बंदों को अच्छे भी लगेंगे मगर मुझे कुछ खास नहीं लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही इधर होलावटी पे इधर अगर बात की जाए मिथिक के लिए भाई कुछ ज़्यादा ही इसी लगते, इस पर भी बंदों ने लगाए थे 8-8 हज़ार इसी। अगर मेरी बात की जाए भाई 8-10 हज़ार तक इसी बंदों ने लगाई थी, मेरे कुल मिलाकर लगी है 3000 इसी टोटल कुल मिलाकर, मतलब सब लगा कर 3000 तक। तो अभी इसकी इमोट कुछ खास नहीं लग रहे थे तो इसलिए मैंने इसको रिडीम नहीं किया, इसको किया भाई। ये वाला जो था ये बेस्ट यार, एकदम जहर लग रहा है ये वाला। वैसे तो ये चीज़ें जो है ना ये ऑलरेडी हमें मिक्स देखने को मिलती है। एक और चीज़ बताता हूँ, जो हम रिडीम करते हैं कुछ ज़्यादा ही क्वाइन पे, ये जो है ना ये हमें मिक्स देखने को मिलते हैं, मतलब इसको जो है ना मिक्स करना नहीं पड़ता है, बस ये तुम्हें मिल गया फिर उसके बाद भाई यूज़ करो ठीक है। फिर भाई साहब इसकी पूरी की पूरी कहानी। अब जो नेक्स्ट आ रहा है कुल मिलाकर एक या फिर दो जॉम पे हमें देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, उसमें भी इंशाल्लाह मैं वीडियो लेके आऊँगा, अगर कोई ट्रिक बन रहा था उसके लिए जैसा कि इसके लिए मैंने बनाया था, अगर उसके लिए भी कोई तरीकाकार होता था तो इंशाल्लाह लाजमी तुम लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कि फिर से कॉइन जमा करके हम इसको निकाल सकते या फिर नहीं। ये चीज़ जो है ना मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि भाई हर एक चीज़ तो हम पबजी के अंदर निकाल नहीं सकते, नहीं इतनी यूसी और नहीं इतना कुछ और है। कल जो है ना इस वाले इन सब क्रिएट पे जो क्रिएट होती है उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी, उसके अंदर भी भाई कुछ कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जो बंदे थोड़े बहुत यूसी लगा के कोई चीज़ निकालना चाहता है तो उधर भी इंशाल्लाह बताऊंगा ठीक है भाई। तो ये भाई सब इसकी पूरी की पूरी कहानी, तो ये रही हमारी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और अगर ये वाली वीडियो सरा सा भी पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।